उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सातवें और आखिरी चरण का मतदान खत्म हो चुका है। वोटिंग खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल भी सामने आने लगे हैं। ये एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर दिखाए जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों में से कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि आखिर एग्जिट पोल किस तरह से यह बता देते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं। आज हम आपको यही बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी हम आपको इस तरह की जानकारियां देते रहें। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में एक सर्वे किया जाता है जिसमें वोटरों से कई सवाल पूछे जाते हैं। सर्वे में वोटरों से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है। सर्वे वोटिंग वाले दिन ही किया जाता है। सर्वे करने वाली एजेंसियों की टीम पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों से सवाल पूछती हैं जिनका एनालिसिस किया जाता है और इसके आधार पर ही एजेंसियां चुनावी नतीजों का अनुमान लगाती है। भारत में कई सारी एजेंसियां एग्जिट पोल करवाती हैं। हालांकि ये सर्वे भी तीन प्रकार के होते हैं जिनमें पहला प्री पोल सर्वे होता है। ये सर्वे चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद और वोटिंग शुरू होने से पहले किया जाता है। दूसरा सर्वे एग्जिट पोल होता है जो वोटिंग की तारीख वाले दिन ही होता है। इसमें वोटरों का मन टटोलने की कोशिश की जाती है। ये पोलिंग बूथ के बाहर किया जाता है और वोट देकर बाहर निकलने वाले लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पर पोस्ट पोल सर्वे होता है। ये सर्वे वोटिंग खत्म होने के बाद किया जाता है। वोटिंग के एक दो दिन बाद से पोस्ट पोल सर्वे शुरू होता है। भारत में चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल की शुरुआत सन 1980 के दशक में मानी जाती है। तब के पत्रकार और अब NDTV चैनल के मालिक प्रणव राय ने वोटरों का मूड जानने के लिए पहली बार ओपिनियन पोल किया था। शुरुआती सालों में एग्जिट पोल मैगजीन में छपा करते थे। 1996 का लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल के लिहाज से काफी अहम था। उस समय दूरदर्शन पर एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए थे। ये पहली बार था जब टीवी पर एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए। ये सर्वे सेंटर फॉर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एजेंसी ने किया था। आपको बता दें कि एग्जिट पोल भी कानूनी दायरे में किया जाता है। अगर कोई एजेंसी इसका उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। भारत में पहली बार 1998 में इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। उस समय चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत 24 फरवरी 1998 की शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 की शाम 5 बजे तक सभी प्रकार के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर रोक लगा दी थी। कानून के तहत अगर कोई चुनाव प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल या चुनाव से जुड़ा नतीजे दिखाता है या चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती हैं। आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ चुकी होगी।